So hello everyone, this is our 8th lecture on crop production and management. In our previous video, we have discussed about what are the various methods of irrigations and how it is done. So now today, let's just discuss about the next activity, that is the protection from weeds. Okay, so till now हमने देखा कि हमने हमारे लैंड पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल प्रिपेयर की, देन सोइंग इज डन ऑन दैट फील्ड, देन मैन्योर और फर्टिलाइजर भी ऐड किए ताकि हमारा क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो हो पाए, उसे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, एंड देन इरिगेशन इज डन. अब क्या है, अब तो बस हमें क्रॉप को ग्रो होते हुए देखना है, एंड उसके बाद एक बार ग्रो हो जाए तो हार्वेस्टिंग करनी है. इज दैट करेक्ट? नो, नॉट एट ऑल. क्यों? क्योंकि सम फैक्टर्स आर देयर विच एक्ट्स लाइक अ विलन. ओके, जैसे होता है ना फिल्मों में हीरो हीरोइन होते हैं, वो हैप्पीली रह रहे होते हैं और फिर बीच में से विलन टपक जाता है, राइट? एंड ही स्पॉइल्स देयर लाइव्स. सो इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर मैनर, हियर वीड्स एक्ट एज अ विलन. ये वीड्स जो है ये विलन की तरह एक्ट करता है. तो आइए जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय वीड. पहले देखेंगे ये वीड क्या है. ओके, सो वीड्स, these are the undesirable plants. What are these? These are undesirable plants in cultivated field. Okay, so these are the undesirable plants in the cultivated fields. Ya kahenge unwanted plants. Simply, weeds are the undesirable or unwanted plant, unnecessary plants. Okay, so these are undesirable या unwanted plants in the cultivated field. अब unwanted plants है, चाहिए नहीं है, ऐसे plants है जो हमें नहीं चाहिए, तो आए कहां से? Does farmer plant them purposefully? No, not at all. Farmer ने purposefully planted नहीं, इसीलिए तो हमने उसे क्या कहा है, these are undesirable plants, unwanted plants. Okay, so अब unwanted plants है, तो अनवांटेड है तो हमें उसे क्या मतलब है, हम डज नॉट लेट देम ग्रो एंड जस्ट उन्हें ग्रो हो देते हैं, हमें तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो हम हमारा जो क्रॉप है वो ग्रो होने के बाद हार्वेस्ट कर लेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे. नो, ये हम नहीं कर सकते. वाह, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप फ्रॉम वीड्स? ये वीड्स से हमें हमारा जो क्रॉप है वो प्रोटेक्ट क्यों करना है? वाई? बिकॉज these affects, these weeds, ये जो weeds जो है, these affects adversely on the growth. These weeds affects adversely on the growth of our crop. हमारा जो crop है उसके growth पर क्या होता है, इसका adverse effect होता है. अब देखते हैं वो कैसे एडवर्स इफेक्ट इसका कैसे होता है, देखते हैं. ओके, ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है उनका एडवर्स इफेक्ट हमारे क्रॉप के ग्रोथ पर कैसे होता है. अब सपोज एग्जांपल देती हूँ उससे पहले, सपोज दिस इज एप्पल. ओके, एंड यू आर द ओनली वन टू ईट दिस एप्पल. आप अकेले हो और इसे खाने जा रहे हो या खाना चाहते हो, तो आपको ये फुल पूरा एप्पल मिल जाएगा. ओके, ये पूरा का पूरा एप्पल आपका होगा, लेकिन समझो बीच में आपका ब्रदर, आपका भाई या फिर आपका फ्रेंड आ गया, तो क्या होगा, आपको यह एप्पल जो है ये हाफ पार्ट में बांटना पड़ेगा, उसका हाफ पार्ट करना पड़ेगा एप्पल का, राइट? अगर समझो और कोई आ गया तो फर्दर मोर वी हैव टू डिवाइड इट, और डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई आ गया तो और उस एप्पल की डिविजन होगी. तो क्या होगा, जितने ज्यादा होंगे आपके साथ खाने के लिए, तो उतने उसके पार्ट जो है वो ज्यादा होंगे, उतना वो डिवाइड होगा. तो उसी तरह से इसमें भी होता है. मतलब देखिए, अब ये हमारा फील्ड है सपोज, एंड हमने क्या किया है, यहाँ पर इसे सीड्स शो कर दिए हैं. अब जो सीड्स है इस पर ये प्लांट्स ग्रो हुए हैं. ओके, सो प्लांट्स आर ग्रोन हियर इन दिस वे. सो अब ईच प्लांट हैव देयर स्पेस, राइट? हर एक प्लांट को उस अपना अपना स्पेस होता है, राइट? अब बीच में ही अगर अनदर प्लांट ग्रो कर गया, ओके, ऐसे बीच में ही अनदर प्लांट्स इसमें आ गए जो कि अनवांटेड है, हमने लगाए हुए नहीं है, अनडिजायरेबल प्लांट्स है. ओके, बीच में आ गए तो क्या होता है, देखिए
इसमें क्या होगा इस प्लांट में और इस प्लांट में, अब पहले ये था तो इसमें पूरा ये जो यहाँ पर इस सॉइल में जितना कुछ इतना स्पेस था, जितना स्पेस था उसमें जितना वाटर था, जितना न्यूट्रिएंट था, वो पूरा न्यूट्रिएंट किस प्लांट को, ओनली दिस प्लांट के लिए रखा गया था ओके. लेकिन बीच में ये वीड्स आ गए, ये अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो कर गए ओके. तो क्या होगा, ये जो प्लांट्स है ये कंपटीशन होगा इन दोनों में फॉर द स्पेस. कंपटीशन किस में होगा, फॉर द स्पेस, फॉर द वाटर एंड फॉर न्यूट्रिएंट्स. अब क्या करेगा ये जो वीड्स है, ये हमारे क्रॉप के, हमारा जो हमने जो प्लांट लगाया हुआ है हमारे क्रॉप के साथ कंपीट करेगा. क्या करेगा, कंपीट करेगा किसके लिए, फॉर द स्पेस, फॉर वाटर एंड फॉर द न्यूट्रिएंट्स ओके. अब कंपटीशन होगा तो इनका जो शेयर है, जो कि हम किसी को नहीं देना चाहते थे, इनका शेयर वो वीडिसाइड्स अपने साथ ले लेंगे ओके. मतलब जितना वाटर इसको मिलना चाहिए था, अब उसके डिवीजन होंगे, वो वाटर वो वीड्स भी, सॉरी वो वीड जो है वो वीड भी वाटर ले लेगा. उसके बाद जो जितना न्यूट्रिएंट इस प्लांट को चाहिए होता अकेले को, लेकिन अब उसमें शेयरिंग हो चुकी है, अब वो डिवीजन होगा, वो वीड भी जॉइंट डिजायरेबल प्लांट है वो भी ले लेगा ओके. सो इट मीन्स हियर इज द कॉम्पिटिशन इज देयर. वहां पर क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा फॉर द स्पेस, फॉर वाटर एंड फॉर द न्यूट्रिएंट्स. अब इसके लिए कंपटीशन, ये तो बेसिक नीड्स है, अब इसके लिए कंपटीशन होगा तो अल्टीमेटली अफेक्शन किस पर अफेक्ट होगा, इफेक्ट किस पर होगा, ग्रोथ पर होगा, क्रॉप के ग्रोथ पर होगा राइट. एंड ग्रोथ पर अगर अफेक्ट होगा तो अल्टीमेटली जो हमारे प्रोडक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी को भी इफेक्ट होगा, प्रोडक्टिविटी भी एडवर्सली अफेक्ट होगी उससे राइट. सो ये तो हम नहीं चाहते. सो व्हाट वी हैव टू डू, अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, सो वी जस्ट हैव टू रिमूव दिस वीड्स. हमें ये जो वीड्स है इन्हें यहां से हटाना होगा ओके. सो सो वी जस्ट हैव टू रिमूव दिस वीड्स. और वो जो प्रोसेस है टू रिमूव, जो प्रोसेस है द रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग. एंड जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वीडिंग कहेंगे. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. एंड व्हाई वीडिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट अफेक्ट, इट एडवर्सली अफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप ओके. एंड दैट्स व्हाई वीडिंग इज इम्पोर्टेंट. अब ये जो रिमूवल है, ये जो वीडिंग की प्रोसेस है, ये सेवरल मेथड से, सेवरल वे से की जा सकती है, जैसे मैनुअली भी ये की जा सकती है ओके. मैनुअली किससे करेंगे, एक टूल है, ये टूल की मदद से हम मैनुअली कर सकते हैं. एंड दैट टूल इज नोन एज खुरपी ओके. दैट टूल इज नोन एज खुरपी कहेंगे उसे, उस टूल को क्या कहेंगे, खुरपी. तो मैनुअली भी हम इस वीड्स को निकाल सकते हैं ओके. तो हम सीड ड्रिल की मदद से भी निकाल सकते हैं. और एक प्रोसेस है जो कि हमने पहले ही की चुकी होती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एंड दैट इज टाइलिंग और कहेंगे प्लोइंग. सो व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते वक्त हम टाइलिंग करते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, तो उस वक्त भी ये वीड्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं एंड इट ड्राइज ऑफ. सो दैट इज ऑल्सो ए बेस्ट मेथड टू रिमूव दिस वीड्स ओके. अब ये वीड्स में सम एग्जाम्पल्स आर देयर, कॉमनली एग्जाम्पल्स है, मैं आपको बताना चाहूंगी, शायद आपको पता भी हो, पार्थेनियम इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वीड. एंड झांथियम, ये जो है कॉमनली फाउंड होते हैं ओके कॉमनली. सो ये पार्थेनियम जो है इट्स नॉट इंडिक स्पेसिस, इट्स एक्सॉटिक स्पेसिस. मीन्स ये पार्थियम जो इंडिया प्रॉपर इंडिया का नहीं था, ये एक्सॉटिक स्पेसिस है, मतलब बाहर के कंट्री से आई हुई है ओके. एंड ये पार्थेनियम को हम गाजर घास कहते हैं, जनरली इट्स लोकली कॉल्ड एज गाजर घास. और इन सम रीजन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए चटक चांदी.
सो कॉल्ड एज चटक चांदी राइट। एंड ये झैंथियम जो है उसे हम छोटा धतुरा कहते हैं, ओके छोटा धतुरा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीड्स। अब ये तो एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैं तो कहूंगी वीड्स इज एनी प्लांट, एनी अनडिजायरेबल प्लांट विच हमारे जो कल्टिवेटेड फील्ड में आ चुका होता, मतलब हमने वो क्रॉप पर्पसफुली नहीं लगाया हुआ होता है, वो प्लांट जो है हमने पर्पसफुली नहीं लगाया होता है, ऐसा कौन सा भी कोई भी प्लांट जो है वो, उसे हम क्या कहेंगे, वीड्स कहेंगे। ओके अब वीड रिमूव करने की प्रोसेस मैंने बताई, मैन्युअली जब करेंगे तो खुरपी की यूज से करेंगे, टाइलिंग और प्लोइंग जब हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के वक्त, उस वक्त भी ये वीड्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ओके अब और एक मेथड है जिससे ये वीड्स जो है वो रिमूव करते हैं, एंड दैट इज विद द यूज ऑफ केमिकल्स। ओके सो बाय यूजिंग द केमिकल्स वीड्स को रिमूव करते हैं, यूजिंग केमिकल्स ऑल्सो, केमिकल का यूज करके केमिकल से भी हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, एंड दिस केमिकल्स आर नोन एज वीडिसाइड्स। ऐसे केमिकल्स जो कि वीड्स रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं, इनको क्या कहेंगे, वीडिसाइड्स। एंड कॉमनली यूज्ड वीडिसाइड इज 2,4-D। 2,4-D जो है वो कॉमनली यूज्ड वीडिसाइड है। तो इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे इसे, इसका देखिए ये बहुत केमिकल है तो मतलब कोई यूजफुल थिंग तो नहीं है, इट्स अ वेरी हार्मफुल, इट्स वेरी डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम करके यूज करना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए वाटर मिक्स करेंगे। ओके इसमें क्या मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, उससे इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता है, एंड देन जस्ट स्प्रे करना पड़ेगा। ओके वीड्स पर हमें इसे स्प्रे करना पड़ेगा, इस ये जो कॉन्सेंट्रेशन, ये जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है वाटर और 2,4-D का, विच इज अ वीडिसाइड, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर वी हैव टू जस्ट स्प्रे इट ऑन द वीड्स। अब ये जो है वो क्रॉप को डैमेज नहीं करता, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। जब हम स्प्रे करते हैं तो क्रॉप को डैमेज नहीं करता, अगर क्रॉप जो है वो डैमेज नहीं होता। ओके सो ओनली वीडिसाइड्स जो है उस पर ही इसका इफेक्ट होता है, क्रॉप डैमेज नहीं होता, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ वीडिसाइड्स। ओके अब देखिए वीडिसाइड जैसे मैंने बताया ये केमिकल है और बहुत हार्मफुल है, इट्स अ टॉक्सिक केमिकल, तो इट मे हार्म द फार्मर व्हाइल फार्मर्स यूज इट। सो फार्मर अगर वीडिसाइड मतलब ये करते हुए अगर फार्मर ने वो इनहेल कर लिया, गलती से इनहेल हो गया, तो क्या होगा, इट्स हैविंग अ टॉक्सिक इफेक्ट। सो एज इट इज टॉक्सिक, इसका जो इफेक्ट है वो हार्मफुल हो सकता है फार्मर के लिए। सो फार्मर जस्ट हैव टू यूज ए मास्क लाइक दिस एंड देन स्प्रे दैट वीडिसाइड्स। ओके सो दे हैव टू यूज ए मास्क लाइक दिस एंड देन आफ्टर use this weedicide so as to reduce the effect, to reduce the harm. Okay, so dosto this is all about the protection of weeds. Short video tha, zyada lamba nahi hai. So is aaj ke liye itna hi, iske aage hum dekhenge harvesting. Okay, so thank you so much.